माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन देखिए। एमएस लिमिटेड वाला सम से भाई, एमएस धोनी वाला एमएस नहीं, बट ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। अगर आप ये सम सॉल्व कर लिए ना, मतलब समझिए आप फॉर फ्यूचर का सम सीख गए हो। देखते हैं भाई किसका सही है। जो लोग बनाए थे क्योंकि हम भेज दिए थे, पूरा मिलाइए, और जिनका गलत है ठीक करिएगा। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। बहुत ही खतरनाक सम्स दिए हैं। इसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व करोगे ना, आप लोग वेस्ट बंगाल के लेवल का, तो आपका हो जाएगा भाई। एमएस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया वॉज नॉट गेट पेड। मतलब एमएस लिमिटेड क्या किया बाबू, 500 शेयर को फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। क्यों? और एक शेयर का दाम था 20 रुपया। माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग फॉरफीचर करते हैं ना, तो कोई ना कोई पैसा नहीं देता, इसलिए फॉरफीचर करते हैं। तो ये आदमी 2 रुपया नहीं दिया। ओके, कितना नहीं दिया? 2 रुपया। उसमें से 3 रुपया हम मांगे ही नहीं। देखिए 3 रुपया हम मांगे ही नहीं है। हम पाते कितना थे? 500 शेयर था, पाते कितना थे? 20। 3 रुपया हम मांगे नहीं, तो मतलब 17 रुपया मांगे हैं, और 2 रुपया वो दिया नहीं, मतलब 15 रुपया दिया है। तो हिसाब को इस तरह समझिए। अब ये मत सोचिए कि 20 में से 2 रुपया दे दिया है, 2 रुपया नहीं दिया है, मतलब 18 रुपया दे दिया। माय डियर स्टूडेंट, हम उस आदमी से 20 रुपया पाते थे एक शेयर पे, 3 रुपया हम मांगे ही नहीं है, तो 17 रुपया हिसाब हो गया शेयर का, और उसमें से 2 रुपया वो आदमी दिया नहीं, मतलब हम कॉल्ड अप कितना किए? सिर्फ और सिर्फ 17। द फाइनल कॉल 3 वॉज नॉट येट बीन कॉल्ड ऑफ दिस 400 शेयर्स आर रीइशू। इसमें से सिर्फ 400 शेयर को रीइशू किए हैं, और रीइशू का रेट तो नहीं दिया है, बट टोटल अमाउंट दे दिया है कि 400 शेयर को बेच के हमको 7,200 रुपया कमाई होता है। पार्टली पेड आउट, पास द जनरल एंट्री रिलेशन टू फॉरफीचर एंड रीइशू। ठीक है बाबू, चलिए फॉरफीचर और रीइशू का एंट्री करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय स्टूडेंट, सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री हम करेंगे, आप बता रहे फिर अगला एंट्री करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं कि फॉरफिचर में हम लोग एंट्री में क्या लेते हैं, आप कॉपी खोल के देखिए। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, तो कॉल्ड अप वैल्यू इससे पहले कोई क्वेश्चन में था नहीं, तो हम लोगों ने 10 रुपया को ले लिया था, बट इस क्वेश्चन में बोला है हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू दिया है, बोला हम 3 रुपया कॉल ही नहीं किए, तो 20 रुपया आपको कॉल करना चाहिए था, 20 रुपया शेयर का दाम था, 3 रुपया हम मांगे नहीं, मतलब 17 रुपया मांगे हैं। तो देखो इसका शेयर का हिसाब कैसे होगा, 500 × 17। तो भाई साहब 500 × 17 जब आप करेंगे ना, तो कैलकुलेटर में देखते कितना है बाबू, 500 × 17, कैलकुलेटर बोल रहा है 8,500। उसमें से वो आदमी जितना पैसा नहीं दिया कॉल सी एरियर, वो आदमी 2 रुपया नहीं दिया, तो 1,000 रुपया, तो कितना रुपया वो आदमी दे दिया? 500 × 15, आप 17 रुपया ही मांगे हो ना भाई, तो आप 17 का हिसाब लेंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा 17 रुपया मांगे हैं? क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि वो 2 रुपया नहीं दिया, इसलिए कैंसिल कर दिए, लेकिन हम 3 रुपया मांगे ही नहीं, मतलब 17 रुपया ही मांगे हैं। तो देखो 17 में से 2 रुपया नहीं मिला, 15 रुपया मिल गया। पहले इसको आप उतारिए, इसको आप कॉपी करिए, अमाउंट होगा 7,500। पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम रीइशू का एंट्री करेंगे। पहले कॉपी करिए,
आइए, तो फॉरफीचर का एंट्री हो गया बाबू। अभी री इश्यू का एंट्री देखेंगे। इस क्वेश्चन में री इश्यू का एंट्री क्या होगा? इस क्वेश्चन में री इश्यू का एंट्री क्या होगा भाई, वो देखेंगे। चलिए, बोला है वही शेयर, हमें पूरा शेयर नहीं बेचे, सिर्फ 400 शेयर बेचे, तभी हम री इश्यू का एंट्री मारेंगे बाबू। बैंक अकाउंट डेबिट, री इश्यू का एंट्री मारेंगे। बोला 7200 मोटा मोटी मिलेगा, मतलब पर शेयर का हिसाब दिया हुआ नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, कंपनी अकाउंट्स में ना नाम का कोई इज्जत नहीं होता। अगर आप किसको पैसा दे रहे हो, किसको शेयर बेच रहे हो, किससे रिसीव कर रहे हो, ये कंपनी अकाउंट्स में नाम का कोई इज्जत नहीं है। नाम का कोई इज्जत नहीं है, जल्दी से बोलिए, नाम का कोई इज्जत नहीं। तो रोहन को दिए, चाहे पुष्पा को दिए, चाहे गीता को दिए, चाहे आलिया भट्ट को दिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई। 7200 रुपया हमको मिला और हमने सिर्फ 400 शेयर बेचे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 400 शेयर बेचे, 400 शेयर इंटू 17 रुपया, क्योंकि देखो अब ये शेयर का वैल्यू ना, आपने जिस शेयर को कैंसिल किया है उसका वैल्यू तो 17 रुपया ही हो गया ना बाबू, क्योंकि आपने तो 3 रुपया कॉल ही नहीं किया है, तो 6800 रुपया। अभी देखो भाई यहां पे कांड हो गया, इसमें भी ट्रिक्स। 6800 रुपया हमको मिलना चाहिए था, हमको मिल गया 7200, मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा आ गया ना उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए 4000 × 17, क्योंकि शेयर का दाम कितना हो गया 17, 3 रुपया तो आप कॉल किए नहीं, तो 6800 आपको मिल कितना गया 7200, तो जितना रुपया एक्स्ट्रा हो गया बाबू, यहां पर एक्स्ट्रा जो अमाउंट हो गया ना 400 रुपया, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या सर सम्स यहां पे खत्म हो गया? ना 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 बाबू, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। फॉरफीचर री इशू, समझिए एंट्री कैसे हुआ। इस सवाल में आपका नुकसान हुआ ही नहीं, आपको मिलना चाहिए था 6800, आपको मिल गया 7200, आपका तो फायदा हो गया भाई, 400 रुपया का फायदा, 400 रुपया का मिठाई बांट लीजिएगा आप लोग, 400 रुपया का मिठाई खा लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है भाई, मेरे नाम में मिठाई खा लीजिएगा, 400 रुपया आपका फायदा हो गया। बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लाइफ में आज, 400 रुपया का शेयर री इशू करके फायदा हो गया, क्योंकि जनरली री इशू में तो लॉस आता था। ये पहला संस्था जिसमें हम लोग का क्या आ गया भैया, प्रॉफिट आ गया। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ना फॉरफीचर का एंट्री कर दिए, री इशू का एंट्री भी कर दिए, अभी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए कि देखो अभी हम लोग क्रेडिट क्या करते हैं, हम लोग कैंसिल किए हैं 500 शेयर और बेचे हैं 400 शेयर, तो ये जो प्रॉफिट है 7500, ये तो 500 शेयर का है, तो 400 शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 1, सम्स के नीचे आप वर्किंग नोट 1 बनाना, और वर्किंग नोट 1 में आप क्या लिखना, वर्किंग नोट में 1 में आप लिखना 7500 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 400, तो ये आ जाएगा 0000। चलो इतना करने का क्या है, मशीन का जमाना है बाबू, मशीन हम लोग के पास है, 7500 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 400, तो फायदा हो गया भाई 6000 रुपया। लॉस तो कुछ हुआ नहीं, लॉस तो कुछ हुआ नहीं, तो जितना फायदा हो गया लास्ट एंट्री मार देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट 1 कितना रुपया भाई साहब, 6000 रुपया, इधर भी 6000 रुपया। अगर कुछ लॉस होता तब ना माइनस करते, कुछ तो लॉस हुआ ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए ये हो गया री इशू का एंट्री, ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री, और ये हो गया आपका वर्किंग नोट, और ये हो गया आपका ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्लीज एंट्री मार दीजिए, नरेशन जैसे करते थे वैसे ही कर देना प्लीज भाई, ये एंट्री मारो तो ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। कहानी को समझिए, 17 रुपया से ही सब कुछ क्यों किए, 17 रुपया से इसलिए किए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 रुपया हम मांगे ही नहीं है, कॉल्ड वैल्यू 17 रुपया ही। आप देखो उसमें रुपीज 3 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, क्वेश्चन भी आपको दिखता होगा, स्क्रीन में दिखा होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, उतारिए इसको, प्लीज कॉपी करिए।
जी।